Hey guys, welcome back to my YouTube channel Baby Health Guide. दोस्तों आजकल डिम लाइट का फैशन सा चल पड़ा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि कुछ घरों में भी डिम लाइट्स रखी जाती हैं। इसे रिलैक्सिंग माना जाता है। जानते हैं कि कम रोशनी में काम करने या पढ़ने से आपके शरीर में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, सिर दर्द और आँखों में दर्द। दोस्तों याद है कि कैसे बचपन में माता पिता टोका करते थे कि कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करना चाहिए। वह बिल्कुल सही कहते थे, कम रोशनी में पढ़ने या काम करने से आंखों पर जोर पड़ता है, जो ना सिर्फ दर्द को जन्म देता है बल्कि देखने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमें चश्मा लग जाता है। इससे सिर में दर्द, बॉडी पेन, सर्वाइकल के बढ़ने पर हमें दवाइयों तक का सहारा लेना पड़ता है। नंबर दो, नेक, बैक और शोल्डर पेन। दोस्तों कम रोशनी के कारण अक्सर चीजों को ज्यादा साफ देखने के लिए हम स्क्रीन या बुक की ओर ज्यादा झुक जाते हैं। इस पोजीशन में ज्यादा देर रहने पर गर्दन से लेकर पीठ और कंधों में भी दर्द होने लगता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो बैक से जुड़ी समस्या हमें हो जाती है और हमें उस परेशानी को कितने सालों तक झेलना पड़ता है। इसलिए आप ऐसी गलतियां ना करके खुद का ध्यान रखें। नंबर तीन, काम पर ध्यान लगाने में परेशानी। दोस्तों शरीर में होने वाली परेशानी के कारण व्यक्ति को काम पर कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है। उसके दिमाग में आने वाले विचार या पढ़ने की क्षमता पर शारीरिक परेशानियां हावी होने लगती हैं, जिससे काम पर ध्यान नहीं रहता है। नंबर चार, डिप्रेशन। दोस्तों ज्यादा लो लाइट में रहना डिप्रेशन को बढ़ाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ज्यादा रोशनी पसंद नहीं करते, उसे अंधेरा या कम लाइट में ही रहना पसंद आता है, जो डिप्रेशन की ओर बढ़ाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।